उत्तरी हवा और सूर्य की कहानी। एक बार की सूर्य और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी वायु घमंडी और जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अक्सर वह प्रचंड वेग से बहती और पेड़ों को उगाड़ फेंकती, घरों को गिरा देती, खेतों में कड़े फसल बर्बाद कर देती थी। उसमें उपस्थित अर्द्रथा झीलों और नदियों की पानी को जमा देती। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने सब तुच्छ है। सूर्य नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ भी होती है और कमजोरियाँ भी। इसलिए कोई खुद के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनका कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसे बात है क्या? तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो, धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो। मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को चुनौती देते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। धरती पर धूल भरी अंधी चलने लगी। पेड़ पौधे लहराने लगे। सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के वेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपने प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला और कसट कर लपेट ली। बहुत प्रयासों के बाद भी उत्तरी हवा उसके शरीर से दुशाला हटा नहीं पाई। तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति खुद ब खुद अपनी दुशाला उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाने शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रही व्यक्ति को गर्मी लगने लगी। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या, उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचे देखना पड़ा। उस दिन के बाद से उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। सीख, घमंडी का सिर नीचा होता है।